हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पर। आज के इस वीडियो में मैं 12th के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊँगी और दूसरे वीडियो में जो सब्जेक्टिव्स हैं उनके आंसर बताऊँगी। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना डिले किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। गद भाग है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज के लेखक हैं, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? ऑप्शन में है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक के रचयिता है, अशोक वाजपेयी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, मुक्तिबोध। अगला है, शिक्षा के लेखक कौन है? शिक्षा के लेखक मलयज, मोहन राकेश, उदय प्रकाश, जय कृष्णमूर्ति। तो शिक्षा चैप्टर के लेखक है जय कृष्णमूर्ति, इसका राइट आंसर होगा। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का शीर्षक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है रोज, उसने कहा था, सिपाही की माँ, शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, उसने कहा था। अब अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम बताएं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, पुत्र वियोग, गांव का घर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, पुत्र वियोग। उनकी ये चैप्टर कविता का नाम क्या है? पुत्र वियोग। अगला है, अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का नाम बताएं, अर्धनारीश्वर कौन लिखे हैं उनका नाम बताना है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, दलित चेतना के लेखक है, दलित चेतना के लेखक कौन है? ऑप्शन है मोहन राकेश, नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है, उसने कहा था कि रचनाकार हैं, उसने कहा था कि निबंधकार या रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कि रचनाकार है यानी लेखक है। दूसरा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है, बातचीत जो चैप्टर है वो कौन सी विद्या है? ऑप्शन है उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, कहानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, निबंध। अगला है, जूठन किसकी आत्मकथा है, जूठन है जो किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, नामवर सिंह की, मलयज की, जगदीश चंद्र माथुर की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मालती किस कहानी की पात्रा है, रोज की है, जूठन की है, उसने कहा था, तिरछ की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, रोज की है। अगला क्वेश्चन, जूठन के लेखक कौन है, मोहन राकेश, नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं जूठन के लेखक। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, बालकृष्ण भट्ट। अगला है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली, संवाद की शैली, भाषण की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, बातचीत की शैली। अगला, भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विद्या के महान रचनाकार हैं, आलोचना, नाटक, उपन्यास, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। अगला है, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया, प्राचीनता की पुष्टि किया, नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया, अंग्रेजी का अंधानुकरण किया, नए पुराने दोनों का पक्ष लिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता, जब अगर वाक शक्ति नहीं होती मनुष्य के पास तो क्या नहीं कर पाता? ऑप्शन देखिए होगा, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा,
बोल नहीं सकता, अगर वाक शक्ति ही नहीं होती तो मनुष्य क्या होता, बोल नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, किसका मत है? किन्होंने बताया कि असल बातचीत जो होती है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है? ऑप्शन है प्लेटो का, एडिशन का, रूशो का, मार्क्स का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, एडिशन का। अगला है, अशिक्षित लोगों को बातचीत को क्या कहते हैं? हंसी मजाक, बदकही, गप, ठिठोली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बदकही। अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, उसने कहा था, रोज, तिरिच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, उसने कहा था। अगला, उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? पृथ्वीराज कपूर ने, देवानंद ने, राज कपूर ने, विमल राय ने। तो इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर घ, विमल राय ने इस पर फिल्म बनाई हुई थी। अगला है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कौन कहता है? फिरंगी मैम, लहना सिंह, होशियार सिंह, जुगार सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, लहना सिंह। ये वाक्य कौन कहता है? लहना सिंह कहता है। अगला है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है? स्कूल की शिक्षिका, फिरंगी मैम, बनिया, लेखिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, फिरंगी मैम। वो कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला है, सूबेदार जी सच है पर क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। ये किसने कहा था? लेखक ने, लहना सिंह ने, जर्मनी सैनिक, जुगार सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, लहना सिंह ने कहा था। अगला है, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, यह बात किसने कही थी? ऑप्शन है लहना सिंह ने, जोरावर सिंह ने, वजीरा सिंह ने, इनमें से सभी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, लहना सिंह ने कहा था। अब अगला क्वेश्चन, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, यह किस पाठ की उक्तियाँ हैं? ये जो वर्ड दिया हुआ है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, यह किस पाठ से ली गई है? बातचीत से, रोज से, उसने कहा था से, सिपाही की माँ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, उसने कहा था से लिया गया है। अगला है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, 10 मार्च 1935 को, 14 नवंबर 1907 को, 10 सितंबर 1910 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 11 अक्टूबर 1902 को। अगला है, छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1963 में, 1974 में, 1965 में, 1954 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 1974 में हुआ था छात्र आंदोलन। अगला है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक के रचयिता कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचयिता कौन है? जयप्रकाश नारायण, मलयज, उदय प्रकाश, मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति पर जयप्रकाश जी ने कब भाषण दिया था? 7 जून 1971 को, 10 मई 1972 को, 5 जून 1974 को, 8 मार्च 1974 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, 5 जून 1974 को। अगला है, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति क्या थी? व्यापारियों की संस्था, छात्र छात्राओं का संगठन, किसानों की समिति, पढ़े लिखे युवकों का संगठन। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ग, छात्र छात्राओं का संगठन। अगला है, जयप्रकाश जी ने छात्रों को सबसे पहले क्या संदेश दिया था? जयप्रकाश जी जो थे, छात्रों को सबसे पहले क्या संदेश दिए थे? जागो छात्र, किसान को जगाओ, यूथ और डेमोक्रेसी, खेती और खेती बाड़ी करो। तो इसका सही क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ख, यूथ और डेमोक्रेसी। अगला, रंधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? अर्धनारीश्वर, ओ सदानीरा, रोज, जूठन। तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, अर्धनारीश्वर। अगला है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908, 25 मार्च 1901, 22 अगस्त 1905, 28 अक्टूबर 1902। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 23 सितंबर 1908। अगला, दिनकर की मृत्यु कब हुई? दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी की मृत्यु हुई थी। अगला है, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? प्रभा, हुंकार, माधुरी, छात्र सहोदर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, छात्र सहोदर।
अगला है, दिनकर के कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? दिनकर के कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? काव्य, निबंध, नाटक, उपन्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, उपन्यास। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, काव्य। अगला क्वेश्चन, अब दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? राजेंद्र शिखर सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैथिली शरण पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, दिनकर की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, उर्वशी। अगला, दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? कौन सा उनको राष्ट्रीय सम्मान मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारतीय रत्न, पद्म विभूषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, पद्म भूषण। अगला है, प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर का कौन निबंध संकलित है? शुद्ध कविता की खोज, अर्धनारीश्वर, काव्य की भूमिका, वर पीपल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, अर्धनारीश्वर। अगला है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? विष्णु लक्ष्मी का, राधा कृष्ण का, इंद्र इंद्राणी का, शंकर पार्वती का। तो अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है? शंकर पार्वती का। आंसर इसका घ सही हो जाएगा। अगला है, पुरुष किस रूप का प्रतीक है? पानी का, धूप का, आग का, फूल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, धूप का। पुरुष किस रूप का प्रतीक है? धूप का है। अगला है, नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है? नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है? ऑप्शन है, धूप, वर्षा, अमावस, चांदनी। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर घ सही होगा, चांदनी। नारी चांदनी के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। अगला है, विचार किसका प्रतीक है? विचार पति का, जानवर का, पत्नी का, प्रकृति का। तो विचार पति का प्रतीक है, इसका क इसका आंसर सही होगा। अगला है, भावना किसके लिए प्रयुक्त है? मित्र के लिए, पत्नी के लिए, प्रेमिका के लिए, छात्रों के लिए। तो भावना किसका किसके लिए प्रयुक्त है? पत्नी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है? शेर का, नर का, बैल का, नारी का। तो कर्म क्षेत्र पर नर का कब्जा चला आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला है, वस्तुतः सिंहासन किसके लिए होता है? सिंहासन जो होता है किसके लिए होता है? योगी के लिए, किसान के लिए, सन्यासी के लिए, राजा के लिए। तो सिंपल है, सिंहासन किसके लिए होता है? राजा के लिए होता है। ऑप्शन ग सही होगा। अगला है, जैनों के बीच कौन संप्रदाय निकला? सन्यासी का, दिगंबर, गृहस्थ का, योगी का। तो कौन सा संप्रदाय निकला? ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा, दिगंबर का। अगला है, पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या बन जाता है? जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? ऑप्शन है, गौ, राक्षस, महान, देवता, भाग्यशाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, देवता। जब पुरुष जो होता है नारी का गुण ले लेता है तो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब नारी और नर एक ही द्रव्य की बनी क्या है? दो प्रतिमाएं, दो दुश्मन, दो मित्र, दो राक्षस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, दो प्रतिमाएं। अगला है, लेखक नारी में कैसे ज्योति जगाने की इच्छा प्रकट करता है? जो लेखक हैं वो नारी में कैसे ज्योति जगाने की इच्छा प्रकट करते हैं? राक्षसत्व, मूर्खता का, नारीत्व का, कर्कशा स्वरूप की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, नारीत्व की इच्छा प्रकट करना चाहते हैं। अगला है, लेखक प्रत्येक नारी में किसका आभास पाना चाहता है? विरोध का, पौरुष का, करुणा का, कुलटा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, पौरुष का। अगला, रोज शीर्षक निबंध में लेखक कौन है? रोज शीर्षक के लेखक कौन है? नामवर सिंह, मोहन राकेश, अज्ञेय, उदय प्रकाश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, अज्ञेय। अगला है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को, 9 फरवरी 1909 ईस्वी को, 8 जनवरी 1910 ईस्वी को, 7 मार्च 1908 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, 7 मार्च 1911 ईस्वी को क्या हुआ था? अज्ञेय का जन्म हुआ था। अगला है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था?
माधवनंद, सजीदानंद, हीरानंद, वातश्यान, वीरेश्वरनंद, अभ्यानंद। तो इसका सही आंसर होगा आपसे नंबर ग, सजीदानंद, हीरानंद, वातश्यान। अगला है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन पुरस्कार मिला था? राजेंद्र पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार। तो इसका सही क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है, यूगोस्लाविया देश द्वारा अज्ञेय को कौन पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए स्वर्ण मालका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत केसरो पुरस्कार, देवर्षि पुरस्कार, राष्ट्र रत्न पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, स्वर्ण मालका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला है, अज्ञेय ने किस सन से नियमित लेखन शुरू किया? 1930 ईस्वी के बाद, 1935 ईस्वी के बाद, 1925 ईस्वी के बाद, 1950 ईस्वी के बाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 1930 ईस्वी के बाद। अगला है, कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय की कैसी कृति है? कितनी नावों में कितनी बार, नाटक, काव्य कृति, संस्करण, एकांकी। तो क्या है ये, एकांकी है। अगला है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907, 15 जून 1901, 10 मार्च 1910, 17 फरवरी 1908। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह का शहादत दिवस कब है? 23 मार्च 1931, 11 मार्च 1928, 20 मार्च 1930, 10 मार्च 1920। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 23 मार्च 1931 उनका शहादत दिवस है। अगला है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? फरीदकोट, लाहौर, बंगाचक नंबर 105, गुगैरा ब्रांच, लायलपुर, पाकिस्तान, जालंधर। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ग। अगला है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? व्यापारी, ठेकेदारी, अफसर, स्वाधीनता सेनानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, स्वाधीनता सेनानी। भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या थे? स्वाधीनता सेनानी थे। अगला है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? स्वतंत्र पार्टी, स्वराज्य पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, लोक सेवक संघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ग, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। अगला है, जीवन मृत्यु के बारे में किस रीति से विचार करने के लिए भगत सिंह ने पत्र में जिक्र किसका किया है? भौतिकवादी का, मायावी का, आध्यात्मिक का, पाखंडवादी का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर क, भौतिकवादी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। मृत्युदंड पर भगत सिंह का क्या विचार थे? मृत्युदंड पर भगत सिंह का क्या विचार था? ऑप्शन है, पूर्ण क्षमा का, आजीवन कारावास का, नम्र व्यवहार का, फांसी पर चढ़ने की। तो उनका विचार था पहले से ही क्या, फांसी पर चढ़ने का। अगला है, भगत सिंह के विचार में देश के भाग्य के निर्णय के समय व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? सुख की आकांक्षा रखनी चाहिए, जेल जाने की भावना होनी चाहिए, व्यक्तियों के भाग्यों को पूर्णतया भुला देना चाहिए, देश सेवा को भावना होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब भगत सिंह के विचार में जब देश के भाग्य निर्णय का समय हो तो व्यक्तियों को जेल जाने की भावना होनी चाहिए, ख इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष रखने का किसने बड़ी दृढ़ता से विरोध किया था? भगत सिंह ने, क्रांतिकारी साथियों ने, सुखदेव ने, सभी लोगों ने। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ख, सुखदेव ने। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी, 10 अगस्त 1918 ईस्वी, 16 जुलाई 1916 ईस्वी, 8 अगस्त 1915 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क, 16 जुलाई 1917 ईस्वी। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर बिहार सरकार में क्या बने? शिक्षा सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क, शिक्षा सचिव। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महतो का बीजारोपण कब किया था?
1944 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क होगा, 1944 ईस्वी में। अगला है, माथुर जी के निबंध सदा नीरा किसको प्रतीक बनाकर लिखा गया है, मतलब किस नदी को प्रतीक बनाकर लिखा गया है, गंगा को, सरयू को, यमुना को, गंडक को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, गंडक को। अगला है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, जगदीश चंद्र माथुर है ओ सदा नीरा शीर्षक के रचयिता। अगला है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, 7 जनवरी 1920 ईस्वी को, 7 मार्च 1921 ईस्वी को, 2 जनवरी 1922। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, 8 जनवरी 1925 ईस्वी। अगला है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ, तो मोहन राकेश का निधन सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को मोहन राकेश का मृत्यु हुआ। अगला है, मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है, रोज, जूठन, सिपाही की माँ, शिक्षा। तो इसका सही क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ख, सिपाही की माँ। अगला है, सिपाही की माँ एकांकी किस संकलन से संकलित है, सिपाही की माँ एकांकी किस संकलन से संकलित है, ऑप्शन है आधे अधूरे से, लहरों के राजहंस से, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, पैर तले की जमीन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अगला है, सिपाही की माँ कैसी स्त्री है, भोली भाली, कर्कशा, दुष्ट, करुणामयी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, भोली भाली। अगला है, विष्णी किस एकांकी की पात्रा है, विष्णी है जो किस एकांकी की पात्रा है, ऑप्शन है लहरों के राजहंस, सिपाही की माँ, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, सिपाही की माँ। अगला है, मानक कौन है, विष्णी का बेटा, मरछिया का बेटा, रधिया का बेटा, सुरतिया का बेटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विष्णी का बेटा, ऑप्शन नंबर क सही है। अगला है, मानक क्या करता है, सेना में है, शिक्षक है, खिलाड़ी है, पहलवान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेना में सिपाही है, क इसका सही आंसर है। अगला है, बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था, कई सौ कोसों दूर, 200 कोसों दूर, 100 कोस, 50 कोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, कई सौ दूरी। अगला है, नहीं मानव तू नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, यह किसने कहा था, विष्णी ने, कुंती ने, मानक ने, दीनू ने। तो ये विष्णु ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हम रिफ्यूजी हैं माजी, बहुत दूर से भूखे प्यास से आ रहे हैं, ये किसने कहा था, कुंती ने, दो बर्मी लड़कियों ने, दीनू ने, विष्णु ने। तो इसका सही क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ग होगा, दो बर्मी लड़कियों ने कहा था। अगला है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, आलोचना, एकांकी, निबंध, आत्मकथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, निबंध। अगला है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गद काव्य, चंपू काव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, प्रबंध काव्य। अगला है, सूर सागर क्या है, प्रबंध काव्य, चंपू काव्य, गीति काव्य, खंड काव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, चंपू काव्य। अगला है, जूठन किसकी रचना है, जूठन जो है किसकी रचना है, ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, निराला की, दयाराम पंचाल की, कमंत भारती की। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर क, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950 को, 30 फरवरी 1950 को, 30 मई 1950 को, 30 मार्च 1950 को। तो इसका सही आंसर होगा 30 जून 1905 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार कब मिला, ऑप्शन है 1991 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1993 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, 1993 ईस्वी। जूठन कैसी कृति है, आत्मकथा है, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है। तो इसका सही आंसर होगा आत्म, ऑप्शन नंबर क, आत्मकथा है। जूठन क्या है, एक आत्मकथा है। अगला है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्य संस्था की स्थापना की थी,
ऑप्शन है मेघदूत, पवनदूत, देवदूत, ग्रामदूत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर क, मेघदूत। अगला, वाल्मीकि की माँ किनके घरों में सफाई काम करने जाती थी? हिंदू मुसलमानों के घरों में, ठेकेदारों के घरों में, महाजनों के घर में, किसानों के घर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, हिंदू मुसलमानों के घर में। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? भरत जी श्रीवास्तव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दिनकर, मोहन राकेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, भरत जी श्रीवास्तव। मलेच का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, आजमगढ़ में, अहमदाबाद में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, आजमगढ़ में। अगला है, मलेच जी की मृत्यु कब हुई थी, कितने साल की उम्र में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 32 साल की उम्र में। अगला है, इनके पिता का, मलेच जी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है गणपति देव, प्रभा शंकर, त्रिलोकीनाथ, नीलकंठ। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा, त्रिलोकीनाथ। अगला है, इनकी माता का नाम था मीरा, प्रभावती, सीता, सरस्वती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख, सीता। अगला है, तीज के लेखक कौन थे? मलेच, उदय प्रकाश, मोहन राकेश, भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, उदय प्रकाश। आज के इस क्वेश्चन, मतलब आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चन ही बताऊंगी, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कल के वीडियो में बताऊंगी। अगर पूरा बता दूंगी तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो और जो क्वेश्चन बच रहा है उसको मैं कल के वीडियो में बताऊंगी। तो आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है? तो हम लोग फिर मिलेंगे कल के वीडियो में।